हाय, तो इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम किसी बॉडी पे टोटल फोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, किसी बॉडी पे अगर आपको टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है तो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये चीज़, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन द बॉडी। देखते हैं, अच्छा इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखो क्या है, मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉडी है, तो यहाँ पे इस तरीके से तो F1 फोर्स लग रहा है। सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं बॉडी के ऊपर वो मुझे मिल जाएंगे। तो मान लिया मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस बॉडी का कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरे पास फोर फोर्सेस आ गए, F1, F2, F3, F4। तो अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स की बात करूँ, मतलब टोटल फोर्स की बात करूँ, तो वो वेक्टर सम होगा प्रत्येक फोर्सेस का, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा। तो जब भी नेट फोर्स बॉडी पे निकालना होगा, टोटल फोर्स निकालना होगा, तो जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होगा इसमें, ऐसा भी हो सकता है कि टोटल फोर्सेस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, जब आप निकाल लोगे टोटल फोर्सेस F3 वेक्टर एंड सो ऑन, ये मिलके जीरो आ जाए, मतलब जीरो वेक्टर आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब क्या होंगे, ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये सबका रिजल्टेंट जो है वो अगर जीरो मिल गया मुझे, तो इन सब फोर्सेस को मैं क्या बोलूँगा, बैलेंस फोर्सेस। और अगर जीरो नहीं आता है, मतलब इन दैट केस इफ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इस केस में दीज फोर्सेस विल बी कॉल्ड एज नॉन बैलेंस्ड फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज नॉन बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट इसमें। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा थर्ड पॉइंट, वो कि अगर मान लिया सब फोर्स मिलके जीरो आ गया, मतलब एफ नेट बॉडी पे जीरो है, तो इसका मतलब होगा बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, बॉडी इज एट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बॉडी को हम उस समय ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे। सिंपली इस चैप्टर में बार बार इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, आगे चल के हम समझेंगे क्या होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अभी के लिए समझो कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो आ गया, टोटल फोर्स जीरो आ गया, तो बॉडी किस पे पड़ी है, इक्विलिब्रियम पे पड़ी है। बात समझे, तो उल्टा भी बोल सकते हैं इसका, मतलब रिवर्स क्या बोल रहा हूँ मैं फोर्थ पॉइंट में, इफ बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, मान लिया बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ वो अभी भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ही है, तो यहाँ पे मैं उल्टा बोल रहा हूँ, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, ये ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, मान लिया इस तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं। वो मान लिया मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया जो कि ग्राउंड पर रखा है इस तरीके से, ये एम मास का ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल मिल जाएगा और यहाँ पे एक MG फोर्स मिल जाएगा। अब मुझे इस पे टोटल फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया दो ही फोर्स लग रहे हैं सिर्फ सिर्फ, तो वेक्टर सम। अच्छा, मैं किसी भी डायरेक्शन को यहाँ पे पॉजिटिव ले सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर लिया और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ट्रीट कर लिया, तो अभी क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू, एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, आप खुद देखो, यहाँ पे ऊपर वाला नॉर्मल प्लस दूसरा फोर्स है मेरे लिए माइनस mg। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, n माइनस mg।
ठीक है। अच्छा एक चीज और यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि सिक्स्थ पॉइंट में मैं ले ले रहा हूं, इफ बॉडी इज एट रेस्ट फॉर टाइम इंटरवल, मतलब बॉडी अगर किसी टाइम इंटरवल के लिए रेस्ट पे है, बॉडी किसी टाइम इंटरवल के लिए अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब होगा एफ नेट जो बॉडी पर होगा वो क्या होगा, जीरो। तो यहां पे बॉडी तो रेस्ट पे ही पड़ी है, ठीक है, तो यहां पे एफ नेट को अगर मैं जीरो कर दूंगा तो मेरे पास यहां से एक रिलेशन आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू एम जी, तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना, इफ बॉडी इज एट रेस्ट फॉर द टाइम इंटरवल। अच्छा मैंने यहां पे टाइम इंटरवल क्यों बोला है, टाइम इंटरवल इसलिए बोला कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो बॉडी रेस्ट पे हो सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो बॉडी रेस्ट पे हो सकती है, लेकिन उस पे उस समय एफ नेट जीरो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ, जैसे मैंने एक बॉल एम मास की है उसको ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो हाइएस्ट पॉइंट पे जाके वो क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, एम जी लग रहा है उस समय भी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी रेस्ट पे आ सकती है और उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा उस वक्त, लेकिन अगर बॉडी टाइम इंटरवल के लिए, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए बॉडी रेस्ट पर है तो वहां पर उस पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ये हमेशा ही रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब नॉर्मल और एम जी की वैल्यू इक्वल होगी, एफ नेट की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सिक्स को याद रखें, रखना रखना आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि एक स्ट्रिंग से मैंने एक ब्लॉक को इस तरीके से ये लटकाया है एम मास का, तो अगर मैं एम मास के ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा तो टेंशन ऊपर नीचे एम जी, सिंस ये रेस्ट पे है तो ऊपर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो टोटल फोर्स अगर मैं बात करूँ एफ नेट, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू होगा टी माइनस एम जी, और ये जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया टी इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है।